IDTV presents. पूर्वी दिल्ली की महापौर अंजू, उप महापौर संजय गोयल व स्थायी समिति अध्यक्ष संदीप कपूर और नेता सदन निर्मल जैन ने आज अलग अलग वार्डों में सघन दौरा किया। दिल्ली के प्रथम उप महापौर व स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय लाला रामचंद्र अग्रवाल के 43वें पुण्यतिथि पर उत्तरी दिल्ली के महापौर अवतार सिंह ने आईटीओ स्थित रामचंद्र अग्रवाल चौक पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दिल्ली के नागरिकों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। पीतमपुरा में एक कमरे में एलपीजी गैस लीक होने की वजह से आग लग गई। इस मामले में 11 लोग जिसमें 9 महिलाएं शामिल हैं घायल हो गए। सभी 11 लोगों को तुरंत भगवान महावीर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरकार ने संसद के वर्तमान सत्र को 7 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया है। पार्टी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने सांसदों को सत्र का समय बढ़ने की जानकारी देते हुए कहा कि सूचीबद्ध सभी 25 बिल पारित करना चाहती है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 25, 26 और 27 जुलाई को तेज बारिश होगी। मानसून के बादल देश भर में बरस रहे हैं। मुंबई में जहां भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं बिहार और असम में आई बाढ़ ने वहां आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि असम और उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में तेज बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं। देश भर में बच्चों के साथ बढ़ती रेप की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन जिलों में बाल यौन उत्पीड़न के 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं, वहां पॉक्सो कानून में विशेष अदालतें गठित की जाएं। कर्नाटक में विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार द्वारा कांग्रेस व जदएस के बागी 15 विधायकों के इस्तीफे पर फैसले होने तक राष्ट्रपति शासन लग सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अनिश्चितता के बीच सरकार बनाने के लिए दावा करने की जल्दी में नहीं है। बिहार में इंसेफ्लाइटिस यानी चमकी बुखार से बच्चों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। आरटीआई संशोधन बिल पर सरकार को बड़ी राहत मिली है। इस मसले पर टीआरएस, बीजेडी और पीडीपी सरकार के साथ है। ये है डीआईडी में खबरें। अब तक इंतजार कीजिए कल तक।